Hi kids. Hi sir. Imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. अब देखो समंदर की जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर और नीचे जाती रहती हैं, हिलती रहती हैं ना, जैसे पानी हिलता है। अब वो बोल रहे हैं कि देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स, मतलब जो मछुआरे हैं वो अपनी अपनी बोट्स में कहाँ जा रहे हैं, समंदर के लिए जा रहे हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप वेन इट इज स्टिल डार्क। अब जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग जब होती रहती है तो धीरे धीरे करके होता है ना उजाला, तो वो बोल रहे हैं कि जो फिशरमैन है वो हल्के हल्के अंधेरे में ही क्या होने लगे हैं, समंदर के लिए जाने लगे हैं। सम गो ऑन ए सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। तो उसमें से जो कुछ मछुआरे हैं, जो गरीब हैं मछुआरे हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी बोट्स नहीं खरीद सकते, उन्होंने क्या किया है, लकड़ी की नावों में वो समंदर के लिए निकल गए हैं। इफ द सी इज रफ विद वेरी हाई टाइड्स एंड ए स्ट्रॉन्ग विद देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। वो बोल रहे हैं कि अगर समंदर में तेज अगर टाइड आ गया, तेज ज्वारभाटा आ गया, ज्वारभाटा का मतलब होता है कि समंदर में जो वेव्स होती हैं वो क्या होती है, बहुत ही ऊपर और बहुत ही नीचे जाती हैं, तेजी से जाती हैं, ठीक है। तो उस समय क्या हो सकता है कि इस टाइप के जो नाव वाले हैं, इस टाइप के जो मछुआरे हैं, उनको क्या हो सकता है, एक उनके लिए टफ टाइम हो सकता है, उनके लिए डेंजरस टाइम हो सकता है कि उनकी नाव वहां डूब भी सकती है। दीज लॉग बोट्स डोंट गो वेरी फार, इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इस टाइप की जो बोटें हैं, जो लकड़ी के उन्होंने जो डंडे हैं उनसे मिला के जो ऐसी बोट्स बनाई होती हैं, उनको लॉग बोट्स बोलते हैं, और वो समंदर में बहुत दूर तक नहीं जा सकती। वो बोल रहे हैं कि इफ द विंड इज हेल्पफुल, अगर मतलब हवा का डायरेक्शन अगर सही रहा, मतलब जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना है उस डायरेक्शन में अगर हवा चल रही हो, तो वो क्या हो सकते हैं, 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर सकते हैं, 4 किलोमीटर कितना जा सकते हैं वो मैक्सिमम 4 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उन्हें, ढाई किलोमीटर घंटे, ढाई आवर्स। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट, अगर तुम बहुत तेजी से चल रहे हो तो तुम 1 घंटे में कितना जा सकते हो, इमेजिन करो, लगभग 2 किलोमीटर। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। अब देखो हम समंदर के बीच में हैं, जहां पर कि चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वहां पर हमको अगर जहां वापस जाना है तो हम सिर्फ डायरेक्शन देख के ही वापस जा सकते हैं, हमको किस डायरेक्शन में वापस जाना है। अब देखो समंदर में उनके पास कुछ सामान तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, सूरज को देख के डायरेक्शन का पता चलाते हैं कि अब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हमको वापस घर पे जाना है। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड अवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। वो बोल रहे हैं कि मछुआरे तो सन को देख के ये पता चला सकते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में वापस जाना है, लेकिन अगर हम जैसे लोग अगर समंदर के बीच में ऐसे कहीं फंस गए तो हम कहीं भी जा नहीं पाएंगे और वहीं डूब जाएंगे, ठीक है। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज, फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट। सन किस डायरेक्शन से राइज होता है, पूरब, ईस्ट से। तो अब आपको जो होमवर्क करके लाना है, वो होमवर्क ये करके लाना है कि आपको ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं। जब आप अपने घर जाओगे तो अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन में जो जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। नेम टू थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट, और दो ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखने हैं घर में जाके कि जो आपके पश्चिम की तरफ हो, ठीक है, कर लोगे, ओके।